दोस्तों ओप्पो टीवी का मार्केट में इतना हाइप मच चुका है कि मतलब छोटे यूट्यूबर से लेके बड़े यूट्यूबर सब लोग इसको प्रमोट करने में लग चुके हैं और मार्केट में बहुत ही ज़्यादा रूमर्स है और कंपनी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। तो और आज के वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। और आप लोग क्या भूल गए रियलमी टीवी को? उसका भी इस समय कुछ महीनों पहले ऐसा ही हाइप हुआ था। रीसेंट केस MI होराइजन को भी आप लोग भूल गए, तो फिर इतना रूमर्स क्यों मचा हुआ है? तो आज की वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे, बताएंगे सब कुछ। हाँ, मेरी जो थॉट्स है इस ओप्पो टीवी के बारे में, और वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल में पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी बजाइए, डरना शुरू। बात करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं हैप्पी गाइड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें ओप्पो टीवी के बारे में, तो यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म है और ये चीज़ ओप्पो ने खुद अनाउंस किया है कि उनके जो स्मार्ट टीवी है वो अक्टूबर मंथ में लॉन्च होने वाली है। और ये उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया था ODC ओप्पो डेवलपर कॉन्फ्रेंस में। उसके अलावा यहाँ पे कोई भी चीज़ ओप्पो ने कन्फर्म नहीं की है, लेकिन मार्केट में हवा मच चुका है, सब लोग लग चुके हैं फ्री का प्रमोशन करने के लिए। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई 4K QLED डिस्प्ले होने वाला है और दो वेरिएंट होंगे और बेजललेस डिज़ाइन होगी, पॉपअप कैमरा होगा और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होने वाला है। तो ये सब रूमर्स मचे हुए हैं मार्केट में। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि देखो यार, ये सब चीज़ पे ध्यान मत दो, क्योंकि रूमर्स कुछ भी होते हैं और इसके वजह से आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो कोई भी ब्रांड से। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि भाई आप लोग रूमर्स पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए और इससे आप लोग को ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रीसेंट एग्जांपल है रियलमी टीवी का, जो 25 मई को आई थी। इतना हाइप मच चुका था इस टीवी का और फाइनली हमें मिला क्या? HD और फुल HD टीवी। बात करें थे 55 और भी वेरिएंट्स के, 4K डिस्प्ले और पता नहीं क्या क्या उसके हाइप मची हुई थी। तो ये चीज़ चाइनीज़ ब्रांड के साथ कॉमन हो गई है। उसके बाद मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि MI होराइजन का आपको पता ही होगा कि भाई क्या हुआ केस। पुरानी टीवी को नई टीवी बना के बेच रहे हैं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डिज़ाइन में चेंजेस करके। तो ये चीज़ हो रही है चाइनीज़ ब्रांड के साथ, और ओप्पो भी चाइनीज़ ब्रांड ही है। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए, टीवी लॉन्च हो जाने दीजिए, उसके बाद हम डिटेल में रिव्यू करेंगे और उसके बाद आपको इसके ऊपर सोचना है। लेने की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको लेना है या नहीं। तो इस चीज़ को आप मुझे आपको ये मैसेज आपको देना था कि आप लोग इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए और मार्केट में जो लोग इतना हवा मचा के रखे हैं वो मत कीजिए। मतलब थोड़े से व्यूज़ पाने के लिए आप लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो। और दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये मेरा जो थॉट है ये सही है? अगर सही है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, और जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक यूट्यूबर होने के नाते कि आपको एक सही इन्फॉर्मेशन दीजिए। आप जो व्यूअर्स हो हम पे भरोसा करते हो, एक ट्रस्ट करते हो कि ये जो बंदा बता रहा है वो सही बता रहा है, ये एज अ कस्टमर या फिर एज अ इंडियन कंज्यूमर के हिसाब से बात कर रहा है, ये हमारे फेवर में बात करेगा, हमारे लिए जो अच्छा है वही बात करेगा। तो यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो इस चीज़ को मुझे क्लियर करना था, इसलिए मैं कहना चाहूँगा बार बार कि रूमर्स पे ध्यान मत दीजिए, और बस यही कहना था। और मिलते हैं अगले वीडियो में धमाकेदार कंटेंट के साथ, और टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गाइड, बाय बाय। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कट कहना चाहूँगा कि मैं किसी भी ब्रांड के अगेंस्ट नहीं हूँ, ना ही किसी यूट्यूबर के। यहाँ पे बस यही कहना था कि रूमर्स को आपको स्प्रेड नहीं करना है, रूमर्स पे बिलीव नहीं करना है, बस।